देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज आपके साथ, मैं हूं काजोल नारायण। आज हम उन लोगों की आवाज बनने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद की है और बिना किसी लालच के लगातार वो काम करते रहे। इस भयंकर बीमारी में भी वो अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते रहे। बात है उत्तराखंड की। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना काल में करीब 2,200 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश सरकार ने अब उन्हें नौकरी से हटा दिया। ऐसे आरोप लग रहे हैं। अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर ये कर्मचारी 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं आंदोलन लगातार कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन कर्मियों को आश्वासन दिया था कि कैबिनेट बैठक में इनके पक्ष में निर्णय ले लिया जाएगा और सभी कर्मचारियों को विभिन्न अस्पतालों में समायोजित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ अब तक कुछ नहीं है। कैबिनेट की बैठक में इन कर्मियों के लिए कोई पहल नहीं किए जाने से नाराजगी और ज्यादा बढ़ती गई और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। नौकरी से निकाले गए कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया था। इसे देखते हुए प्रदेश के सरकारी अस्पताल 2 साल पहले बड़ी संख्या में विभिन्न संवर्गों में अतिरिक्त कर्मचारी उपनल और पीआरडी के माध्यम से आउटसोर्स पर रखे गए थे। इसके बाद दूसरी और तीसरी लहर में भी आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई। 31 मार्च को ऐसे करीब 2,200 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इनमें अकेले राजकीय दून मेडिकल अस्पताल कॉलेज में ही 612 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया था। अब ये लोग पूरी तरह से अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। आखिर इनकी आवाज कौन बनेगा? ना तो सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है, ना विपक्ष इनके पास आ रहा है, तो इनकी आवाज बनने की कोशिश हमने की है। आज हम इनसे बात करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो संविदा कर्मचारी हैं, कोरोना योद्धा, जिन पर फूल बरसाए गए थे, अब इनको नौकरी नहीं मिल रही है। कोरोना काल में जब कमी पड़ी तो आउटसोर्स पर इन्हें रखा गया और काम लिया गया, मरीजों की देखरेख की है बखूबी की, लेकिन उसके बाद इन्हें हटा दिया गया। ना तो नौकरी मिली है ना कुछ और, ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। 50 से ज्यादा, या मैं कहूँ कि 53 या 54 दिन हो चुके हैं, ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे, जानेंगे कि कितने दिनों से इनका आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है तो 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे भी बैठे रहते हैं, लेकिन जस से तस नहीं होंगे। और यहाँ पर हम उन लोगों से भी जुड़ेंगे, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि ये दिख जाए कि आखिर जिन्होंने कोरोना काल में इतनी मेहनत की है, जिन पर पुष्प वर्षा की गई, उनका हाल अब किस तरह से दिखाई देता है। संविदा कर्मी जो कि आउटसोर्स से रखे गए थे, संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी नेता सत्यवीर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल सत्यवीर जी आपसे, बहुत स्वागत करती हूँ पहले तो आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी प्रणाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सत्यवीर जी, एक मसला है और बहुत बड़ा मसला है। उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और उन्हें कहीं भी अब नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। कोरोना काल में के माध्यम से रखा गया था, मरीजों की देखरेख बखूबी की इन्होंने, लेकिन अब 31 मार्च के बाद ये दर दर भटक रहे हैं। इतने महीने हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। आश्वासन मिला भी धन सिंह रावत द्वारा, लेकिन कोई कैबिनेट में इस मसले को ना उठाया गया ना इस पर कोई निर्णय लिया गया, क्या करें फिर? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं जो बड़े बेसब्री से आपके इस डिबेट का इंतजार करते हैं। और जिस प्रकार से आपने ये चर्चा रखी है कि जो अभी जो संविदा कर्मी रखे गए थे कोरोना काल में, उनके साथ इस समय की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए सरकार कुछ आगे बढ़ नहीं रही है, मैं आपको आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं। निरंतर इस पे विभागीय मंत्री और उससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं वो इस विषय में हल निकालने के लिए निरंतर चिंतित है और वो अपने स्तर पर निरंतर बैठक कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका हल निकाला जाए, जिससे कि जितने भी ये चिकित्सा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या
जो उत्तराखंड के हित के लिए जो काम करना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार सरकार आगे बढ़े और इनके हितों को कैसे ध्यान रखा जाए। सरकार निरंतर उस ओर चिंतित है और आने वाले समय में आपको एक सुखद समाचार देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही अच्छी सेवा करी है। सत्यवीर जी, आपकी तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, मंत्री चिंतित हैं, अधिकारी चिंतित हैं, लेकिन चिंता का सवाल ये है कि भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आराम से एसी में चैन की नींद सो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत की कोरोना काल में और अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं भीषण गर्मी में। कितने दिन और लग जाएंगे, क्योंकि 50 से ज्यादा दिन हो गए हैं। अभी जो आउटसोर्स से ये जो यहाँ पर संविदा कर्मी रखे गए थे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ तमाम और उनके जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। संजय, क्या समस्या है, कितने दिन हो गए हैं, जरा सत्यवीर जी को बताइए। आज हमारा जर्नी का 57वां दिन है और कंसल का आज हमारा 5वां दिन है। और जैसा कि सभी जी ने बताया, इस कार बार बार आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन झूठे आश्वासन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे हमारे 2200 कर्मचारी उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ महीने पहले की अगर बात करेंगे तो जब हमारी पहली मुलाकात धन सिंह रावत जी से 3 अप्रैल को हुई थी तो उन्होंने हमें भरोसा दिया था कि जो पहली कैबिनेट होगी उसमें आपका मुद्दा रखा जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद ये स्टेटमेंट दिया था कि 6 माह का विस्तारीकरण होगा और उस 6 माह के अंतर्गत जो समायोजन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। आज हमारा 57वां दिन है, कम से कम आप समझिए 2 माह हो चुके, तो 2 माह के अंतराल बीतने के बावजूद भी हमें ना 6 माह का विस्तारीकरण मिला है और ना समायोजन की प्रक्रिया पे कोई बातचीत चली। सत्यवीर जी, आप सुन रहे हैं सर, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप पर उंगली उठाऊं या फिर मैं विपक्ष से सवाल करूं या आपसे सवाल करूं या विपक्ष से सवाल ना करूं या आपसे ना करूं। मेरा मकसद है कि हम आवाज बन रहे हैं ऐसे लोगों की, उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंचे, ताकि आप लोग अगर ये ऐसे मसले आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते तो हमारे जरिए पहुंचे, ताकि आप जल्द से जल्द इसका निस्तारण कर सकें। अभी जो संविदा कर्मी है, पंकज ने बताया कि संजय ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर वादा किया गया, वादे के बाद भी कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया गया, इतने महीने हो चुके, इतने दिन हो चुके हैं। सर, पहले फूल बरसाते हैं उसके बाद गर्मी में यूँ तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, आखिर क्यों? देखो, हम बिल्कुल भी नहीं नकारते कि जिस प्रकार से इन्होंने कोविड काल में जब इस प्रकार की परिस्थितियां भारत देश के सामने आई कि किस प्रकार से संकट से बाहर निकला जाए, तो प्रत्येक कर्मचारी ने अपना दायित्व को निर्वहन करते हुए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और हम इनकी सेवा को नमन करते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी अभी दर्शक जुड़े हुए हैं, चाहे उस विभाग जो अभी आपके इस चैनल पे जुड़े हुए लोग हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, सरकार निरंतर चिंतित है, विभागीय मंत्री उनके बारे में बैठकें कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें इनका पूर्ण उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया था कोविड काल में, मंत्री और उनका विभाग कुछ ना कुछ इस और हल निकालेगा जिससे कि दोबारा से ये स्थितियां पैदा ना, जो स्थितियां इस समय पैदा ना तो ये उत्तराखंड के हित में है ना इनके हित में है। इसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे मंत्री जी और अधिकारी इस और कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका हल निकाला जाए। लाइव चैनल पर बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं, विश्वास करेंगे आप? संजय मैम, हमने विश्वास किया जब धन सिंह राव जी ने पहला स्टेटमेंट दिया था, मैं आपको भी पहले भी बताया मैंने कि जब हमारे 3 अप्रैल को वार्ता हुई थी तो उन्होंने एक ही चीज हमारे समक्ष रखी, जो आपका जो ये जो हमने जो कोविड काल में रखा गया था आपको कुछ सीमित समय के लिए, लेकिन आप इस चीज में कुछ निर्णय ले रहे, तो जब बात आई तो उन्होंने बोला कि 6 माह का विस्तारीकरण और उसके अंतर्गत समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे सत्यवीर जी ने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार सोच रही, आज देखिए 57वां दिन बीत गया है और शाम भी होने को, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता ना कोई भी पा रहे कि 57 दिन बीत गए हैं हमारे जो परेशानी तो यही है। संजय, परेशानी यही है कि सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा है, विपक्ष भी नहीं आ रहा है। विपक्ष वैसे हर मुद्दे को उठाता है लेकिन विपक्ष नहीं आ रहा है यहाँ पर अब आवाज उठाने के लिए। पर विपक्ष हमारे इसमें बहुत कमजोर स्थिति में, ये हम भी अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, कहीं अगर विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभाती तो शायद आज हमें 57वां दिन
ठीक है संजय, संजय आगे आगे क्या प्लान है, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा हो चुका है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोगों की आपके ऐसी लड़कियां भी बताई जा रही हैं जिनकी तबीयत भी खराब हुई थी, आगे क्या प्लानिंग है जरा सत्यजीत जी को बताइए, सत्यवीर जी को बताइएगा, सत्यवीर जी फिर आगे इस बात को रखेंगे और कोशिश होगी, क्योंकि लाइव चैनल में बैठे हुए हैं, लाइव डिबेट में बैठे हुए हैं वो। एक बात है, हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है ये पहाड़ों के बीच एक घिरा हुआ प्रदेश है, और जैसे कि योगी जी जब आए थे उत्तराखंड उन्होंने बोला था कि पहाड़ की जवान और पहाड़ का पानी कभी रुकना नहीं चाहिए, और मैं इसी बात को कहना चाहूंगा जो पहाड़ की जवानी है अगर उन्होंने कोविड काल में अपना पूरा मेहनत और पूरा परिश्रम किया है और कभी रुकेगी चाहे लड़ाई चाहे लड़ाई परिस्थिति में कार्य किया उसके लिए हम नमन करते हैं। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से इन सभी भाई बहनों को कि विभागीय मंत्री निरंतर इस बारे में अधिकारियों के संपर्क में है, जिस प्रकार की उन्होंने भी बताया कि इनको 6 महीने का फिर 1 साल का वो उससे अच्छी वैकल्पिक कोई व्यवस्था चाह रहे होंगे जिससे कि इनको बार बार ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप आगे बात रखेंगे, आप प्रॉमिस कर रहे हैं चैनल पर आप आगे बात रखेंगे। सत्यवीर जी मैं निरंतर उनके संपर्क में हूँ, मैं निरंतर माननीय मंत्री जी के संपर्क में हूँ और उनसे मैं अपडेट लेता हूँ, तो कह रहे हैं कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक कोई अच्छा विकल्प निकालेंगे, उस जो अच्छा विकल्प निकलेगा उसके माध्यम से जो भी हल होगा वो सबके सामने दिखेगा और वो उत्तराखंड के हित में होगा और इन सभी के हित में होगा। ठीक है, तो 2 दिन बाद फिर इस मुद्दे को उठाएंगे हम, आपको जोड़ेंगे। सत्यवीर जी आगे क्या, किस तरह से आगे काम हो रहा है, काम कैसा चल रहा है, कहां पहुंचा काम, ये जानने की कोशिश करेंगे। सत्यवीर जी आप जुड़ेंगे हमारे साथ? मैं निरंतर आपके साथ जुड़ने को तैयार हूं और ये उत्तराखंड के हित में है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं। बिल्कुल ये इसका हल निकलता है, लेकिन सिर्फ देखिए 2200 कर्मचारी सिर्फ अकेले नहीं है, 2200 परिवार जुड़े हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए 2200 परिवार, एक गांव में इससे कम लोग भी होते हैं, पूरा गांव समझ लीजिए आप, पूरा गांव जूझ रहा है परेशानियों से, तो इसलिए मैं आपसे ये प्रॉमिस करने के लिए कह रही हूँ कि आप प्रॉमिस करें कि आप जब हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो आप जुड़िएगा और आगे क्या, किस तरह से बढ़ रही है बातचीत, किस तरह की बात हो रही है आप बताइएगा फिर। हमने आपको काजोल जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनके हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किस दिशा में उनको ले जाया जाए जिससे उनके हित सुरक्षित रहे, हम उस ओर निरंतर चिंतित है और ये इस मामले में मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मंत्री जी बिल्कुल इसमें निरंतर अधिकारियों संपर्क में और मैं मंत्री जी के संपर्क में हूं और आपको आने वाले समय में एक बहुत अच्छा हल देखने को मिलेगा जिससे कि ये परिस्थितियों का जो इस समय परिस्थितियां हैं वो उसका हल निकल चुके और उत्तराखंड अपने चिकित्सा व्यवस्था में नए आयाम को गढ़ सके, जिस प्रकार से उत्तराखंड में इन्होंने बहुत अच्छी सेवा कोविड काल में दी, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करा उन्होंने और उसके लिए मैं आपको फिर कहता हूं कि इनको नमन करता हूं जिस प्रकार की इन्होंने सेवा दी और आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। संजय आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए ऐसा कह रहे हैं सत्यवीर जी और अपडेट भी हमें लगातार देते रहेंगे, हम दोबारा से उन्हें बिठाएंगे डिबेट में। सवाल सत्यवीर जी से है, मैं आ रहा हूं रास्ते में, जैसे बात रखी थी अभी की कहीं ना कहीं सरकार सवाल रखिए दोबारा से अपना सवाल रखिए। आज जैसे सत्यवीर जी ने बताया कि स्पष्ट मतलब जो मंत्री जी हैं उनसे लगातार वार्ता में, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आज 57 डेज हो गए हैं, 57 डेज तक सरकार ने हमें बेरोजगार रख दिया, अगर सरकार सोच रही है तो लेकिन इतने जो हमें इतना टाइम बीत गया इसके जिम्मेदार कौन है? ठीक है सत्यवीर जी, शायद आपने सुन लिया होगा और अगर नहीं सुना है तो मैं इनका सवाल रिपीट कर देती हूँ, इनका सवाल ये है कि 57 दिन हो चुके हैं, 57 दिन ये बेरोजगार रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा, क्या सरकार इसकी भरपाई करेगी 57 दिन बेरोजगारी की? मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी इस समय परिस्थितियां हैं ना उनके हित में है ना सरकार के। सत्यवीर जी मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल उन्हीं लोगों का है, उन्हीं मासूमों का है जो इस भीषण गर्मी में आंदोलन कर रहे हैं,
मेरा नहीं है सवाल। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी परिस्थितियां हैं उसका जल्द से जल्द निवारण निकलेगा और हम बढ़ चुके हैं और जो भी हमारे आपके जो हल निकलेगा वो मीडिया तक भी पहुंचेगा और इन तक भी पहुंचेगा और वो सभी के हित में होगा। मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं और चिकित्सा व्यवस्था के हित में भी होगा जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा होगा आने वाले समय पे। सत्यवीर जी ठीक है, मैं अपने सहयोगी अपने रिपोर्टर को भेजूंगी आपके पास। क्या कुछ आगे अपडेट है आप बताइएगा, फिर हम चलाएंगे उसे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचाने के लिए ताकि हम आपकी आवाज़ बन सके। तो ये उत्तराखंड के वो आउटसोर्स कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, करीब करीब 6 महीने तक या हम कहें कि इससे ज़्यादा समय तक लगातार ये काम करते रहे, लेकिन अब ये बेरोजगार हैं। तो ऐसे में यहाँ सत्यवीर चौहान जो कि बीजेपी नेता है हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो मंत्री जी से संपर्क में हैं और जल्द से जल्द ये भी जो समस्या है इससे निपटारा कर लिया जाएगा और जो भी ये जो यहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं इनको नौकरी भी आगे दी जाएगी, जो उत्तराखंड के हित में है, जो युवाओं के हित में है वो किया जाएगा। लेकिन आश्वासन तो पहले भी मिला था, उस आश्वासन का क्या, 57 दिन हो गए हैं ऐसा कहना है इन कोरोना वॉरियर्स का कि 57 दिन बेरोजगार रहे हैं तो इनकी भरपाई कौन करेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं और आज आवाज़ में हमने इस मुद्दे को उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर फैसला लिया जाए और इन सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और आगे भी हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट है वो अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे क्योंकि आरोप बहुत सारे लग रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री पर कि वादा खिलाफी उन्होंने की है, कोरोना वॉरियर्स का पहले सम्मान किया गया था अब उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं, उनका कोई भी यहाँ पर सुध-बुध नहीं ली जा रही है, ना तो विपक्ष आ रहा है ना सत्ता पक्ष आ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इनके मन में उठ रहे हैं क्योंकि 2200 लोग अकेले नहीं हैं, इनका पूरा परिवार है जो पूरी तरह से अब बेरोजगार हो चुका है। तो आखिर परिवार कैसे चलाए, युवा भी हैं और युवा देश का भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, चिकित्सा विभाग में अपना भविष्य बनाने की तो कोशिशें कर रहे हैं लेकिन उस पर कुछ अभी नहीं हो पा रहा है। यहाँ भरोसा दिलाया गया है सत्यवीर चौहान द्वारा, बीजेपी नेता द्वारा, कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। अब कब तक एक्शन होता है ये देखना होगा और कब तक इनको नौकरी मिलती है ये भी हम लगातार देखते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और साफ तौर पर इनका कहना है कि इनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो आज आवाज़ में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर लौटेंगे कुछ ऐसे ही लोगों की आवाज़ बनकर जिनको ज़रूरत है और जो ज़रूरी है। फिलहाल इतना ही।